curry. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। इसके लिए हमें एक किलो गोश्त, एक किलो भिंडी, तीन गिलास पानी, ऑयल, चार से पांच प्याज, पांच टमाटर, दस से बारह हरे मिर्च, हल्दी, नमक और सुरख मिर्च चाहिए होंगे। अब हम सबसे पहले गोश्त को रखेंगे पकने के लिए। पानी चाहिएगा इसमें तकरीबन तीन गिलास। प्याज इसमें शामिल करेंगे, दस से बारह हरी मिर्च काट ली वो हमने इसमें शामिल कर दी है। दरमियाने साइज के पांच टमाटर, हल्दी एक चम्मच, नमक हस्बे जायका और दो चम्मच सुरख मिर्च। इसी ये सब चीजें डाल के अब हम इसे पकने के लिए रखते हैं। देखिए अब इसमें पानी खुश्क हो चुका है, अब हम ऑयल डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन एक कप के बराबर हमने ऑयल डाल दिया इसमें। अब हम भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी हमारी फ्राई हो रही है, तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस अच्छा सा एक कलर आ जाए इससे। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। गोश्त हमारा अच्छे से हमने फ्राई किया वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ना दो प्याज और चार से पांच सब्ज मिर्च डाल देंगे, कटे हुए प्याज इसमें, और
چار سے پانچ ہری مرچ ڈال کے ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ. بھنڈی گوشت اب ہمارا تیار ہو چکا ہے.